ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जम्मू कश्मीर में पर्यटन के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार ताहिर नदीम खान और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। बीते कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के आने की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई है। लगभग 80 लाख पर्यटकों ने देश विदेश से इन महीनों में केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा की, जो बीते दो दशकों में सर्वाधिक है। जम्मू कश्मीर में बीते समय में हमने देखा कि पर्यटन से जुड़े उद्योग, ढांचागत जो सुविधाएं हैं और इससे जुड़ी सेवाएं हैं, उनको बेहतर बनाने पर बल दिया गया है। दूसरी तरफ जो पहले के वित्तीय बजट की तुलना में पर्यटन के लिए किए जाने वाले प्रावधानों को 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर यूं तो वैसे भी विरासत का स्वयं में एक स्थल है, स्वयं में विरासत को समेटे हुए है, और केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता और जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रयासों की बदौलत पर्यटन के मामले में हम जम्मू कश्मीर को और समृद्ध होता हुआ देख रहे हैं। ताहिर साहब, शुरुआत में प्रशासन की इस दिशा में एक अहम पहल से ही आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा मैं। ऐसे 75 गांव जो अपनी ऐतिहासिक पहचान और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जाने जाते हैं, टूरिस्ट विलेज नेटवर्क इनिशिएटिव के तहत इन गांवों को पर्यटन के अहम क्षेत्रों के तौर पर विकसित किया जा रहा है, और इसका मकसद है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ गांवों में युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण हो, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा हों, वे उद्यमी के तौर पर उभर कर सामने आए और साथ साथ जम्मू कश्मीर का पर्यटन भी विकसित हो। इस पहल को कैसे देखते हैं आप? किस तरह पर्यटन की दिशा में ये एक अहम पहल साबित हो रही है? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इनिशियली बहुत लिमिटेड डेस्टिनेशन थी, चाहे वो श्रीनगर की हो, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर तक हो, पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, या जम्मू प्रोविंस में ले देके या तो पिलग्रिमेज टूरिज्म का कटरा टाउन था या उसके साथ नेटाप था। लेकिन अब की बार गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने 75 विलेजेस को, जिसमें 40 गांव जो हैं कश्मीर प्रोविंस से हैं और 35 गांव जो हैं वो जम्मू प्रोविंस से, उनको आइडेंटिफाई किया गया है कि उनको डेवलप किया जाए एज टूरिस्ट विलेजेस। उसमें यह है कि वहां का कल्चर बड़ा यूनिक कल्चर है वहां का, उसको प्रमोट किया जाए, वहां का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। जैसे जम्मू प्रोविंस में 5 गांव खाली जो है, भद्रवाह एक क्षेत्र आता है, काफी विकसित हुआ है वो पिछले दिनों टूरिज्म में, 5 गांव को लिया गया है। वहां पे नाग कल्चर बड़ा प्रचलित है, बड़ा यूनिक सा है, जो बर्राजपुरी एक बहुत बड़े यहाँ के जर्नलिस्ट थे, वो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उन्होंने अपनी जो एक रीजनल अटॉनमी कमेटी की रिपोर्ट एक दफा उनसे मांगी गई थी कि कल्चर के बेस पे किस रीजन को कल्चरल अटॉनमी दी जाए, तो उन्होंने लिखा था कि अगर कोई भी कल्चर ऑलमोस्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म जिंदा है तो वो नाग कल्चर है भद्रवाह का। ऐसी चीजों को प्रमोट करने में बहुत सहायता मिलेगी, चाहे कल्चरल है, हिस्ट्री है वहां की उस गांव की पर्टिकुलर, या उनका रहन सहन है, जो विलेजेस हैं वहां का, जो यूथ है उनका सशक्तिकरण होगा, वहां की महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, क्योंकि जो हैंडलूम है यहाँ का, जम्मू कश्मीर का, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का हैंडलूम है, उसको प्रचलित होंगे और वो बड़ा पॉपुलर हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ ही इसी के चलते जैसे कि एक इनिशिएटिव इसी के साथ जुड़ा हुआ लिया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव, उसमें जैसे डिस्ट्रिक्ट डोडा को एक लैवेंडर के लिए चुना गया है, लैवेंडर एरोमेटिक प्लांट है, मेडिसिनल वैल्यू भी है उसकी, तो उसके लिए जैसे अब की बार भद्रवाह में 2 दिन का लैवेंडर फेस्टिवल करवाया जा रहा है स्पेशली, और उसमें जो बाहर से जो एरोमेटिक प्लांट्स के लवर्स हैं या फ्लावर लवर्स हैं उनको उन गांवों में ले जाएगा जहां पे के लैवेंडर उगाया जा रहा है। इस वक्त वो फुल ब्लूम है, पर्पल रेवोल्यूशन का ऐसे नाम दिया गया है, तो इससे जो है गांव तक डेवलपमेंट जो है हर गांव हर मोड़े तक पहुंचेगी टूरिज्म से रिलेटेड जो थी। बिल्कुल, और ताहिर साहब, जम्मू कश्मीर के पर्यटन में हम देख रहे हैं कि अब इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसका उदाहरण हम फिल्मों के शूटिंग के लिए लागू की गई नई फिल्म पॉलिसी से ले सकते हैं। इसके अलावा भी हम कुछ और चीजों पर बात करें, जैसे कि एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसके अलावा ट्रैकिंग रूट्स को इसमें शामिल किया जा रहा है, वन्य जीवों के संरक्षित क्षेत्र हैं उनका विकास भी किया जा रहा है, तो किस तरह एक पूरा टूरिज्म इकोसिस्टम बनेगा आगे आने वाले समय में? बिल्कुल, जो आपने बात की बिल्कुल सही है, और उसमें अब की बार फर्स्ट टाइम जो आपने देखा होगा जो 35 विलेजेस तो बनाए हैं, उसके साथ साथ जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो थी, ये 26 अप्रैल 2022 का डिसीजन है जेएनके गवर्नमेंट ने लिया है, उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट की है 21 डेवलपमेंट अथॉरिटीज ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट। ये जो 21 डेवलपमेंट अथॉरिटीज है पूरे जम्मू कश्मीर में, उनको दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, और उसमें से जो 3 प्रीमियर डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, जिसमें पत्नीटॉप, पहलगाम और गुलमर्ग है, खुद जो एलजी ऑफ जेएनके
है वो उनको चेयर करेंगे, जो बाकी 18 है उनको चीफ सेक्रेटरी चेयर करेंगे और उसके मेंबर, जो आपने कहा कि वन संरक्षण दिया जा रहा है वाइल्ड लाइफ को दिया जाए, उसमें फर्स्ट टाइम जो है वाइल्ड लाइफ वार्डन्स को जो उस एरिया के उनको इंक्लूड किया गया है, उनको मेंबर्स बनाया गया है और साथ में उस पर्टिकुलर एरिया के जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं DFOs जिनको कहते हैं उनको भी उसमें इंक्लूड किया गया, ताकि जो रूरल टूरिज्म है या ट्रैकिंग रूट्स बनाए जा रहे हैं उसमें एक तो वन संरक्षण जो आपने कहा कि अपने जंगल्स को बचाना है, फॉरेस्ट एरिया को बचाना है, उसको इंक्रीज करना है ताकि उनको भी उसमें शामिल किया जाए और साथ में जो वाइल्ड लाइफ के वार्डन्स हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में किश्तवाड़ में वाइल्ड लाइफ वार्डन बैठता है पूरे चिनाब रीजन को देखता है, उनको भी इंक्लूड किया गया है डेवलपमेंट अथॉरिटीज का एज मेंबर्स, ताकि वो भी पार्ट एंड पार्सल बने उसका। उससे जो है एक होलिस्टिक अप्रोच है गवर्नमेंट की कि हर तरीके से इसको डेवलप किया जाए। और साथ ही जो आपने कहा कि जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए उसके लिए खोला गया है, पिछले 2 साल से वेब सीरीज और जो फिल्म शूटिंग है बहुत बड़ी तादाद में टूवर्ड जम्मू प्रोविंस आ रही है, जो कि पहले लिमिटेड था कश्मीर वैली तक। लोगों को ये लगता था पहले कि नूरी फिल्म जो 80s में अर्ली 80s में बनी थी उसके बाद बिल्कुल जम्मू प्रोविंस में किसी फिल्म का शूट नहीं हुआ था, लेकिन अब एकदम से जो है एक तरह से समझे कि बाढ़ आ गया है, टीवी सीरियल्स वेब सीरीज और साथ में जो फिल्म्स की शूटिंग वो हो रही है जगह जगह पे, जिससे रोजगार के मौके बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बेहतर पर्यटन के लिए सबसे जरूरी है कनेक्टिविटी का बेहतर होना, और इस मामले में हमने देखा कि हवाई मार्गों या फिर सड़क मार्गों या हाईवेज की कनेक्टिविटी को बीते समय में दुरुस्त करने पर जोर दिया गया है और नए हाईवेज हमने देखा कि अब बन भी रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं, किस तरह से प्रमुख स्थलों तक यात्रियों को पर्यटकों को पहुंचने में इन नए रास्तों से हवाई मार्गों से और सहूलियत बन रही है, कुछ उदाहरणों से आप इसे समझाएं। क्योंकि हिल स्टेट है, यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रोड नेटवर्क है उसकी जरूरत थी, रोड नेटवर्क पे उसको काफी फोकस किया जा रहा है। अब तक जो पूरे जम्मू कश्मीर को उसको एक ही रोड नेटवर्क से एक ही जो रूट थी वो जोड़ती थी वो था लखनपुर वाला मार्ग, जो लखनपुर जम्मू वाला हाईवे है। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने एक भारतमाला करके प्रोजेक्ट है उसमें अप्रूव किया रोड वो बन रही है और ज्यादा तेजी से उस पर काम हो, ये डोडा भदरवा बसोली पठानकोट रोड है, इंटरस्टेट रोड है जो पंजाब के साथ जोड़ती है। ये एक बहुत बड़ा रोड नेटवर्क जो बन रहा है, जो डायरेक्ट जो है कश्मीर वैली को जम्मू प्रोविंस के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट डोडा से होते हुए कठुआ डिस्ट्रिक्ट से पंजाब के साथ जोड़ेगा। दूसरा जो इंटरस्टेट रोड जिसको हाल ही में ओपन किया है, भदरवा चंबा इंटरस्टेट रोड, और ये जुड़ता है चंबा डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल का, जहां पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जहां पे डलहौजी खजियार चंबा भरमौर स्पॉट्स हैं, वहां पे जहां पे रिलीजियस टूरिज्म भी आते हैं, पिलग्रिमेज टूरिज्म भी आते हैं, एडवेंचर टूरिस्ट भी आते हैं। उससे ये होगा कि टूरिज्म का फ्लो और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अब तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं लिमिटेड था हमारा कि जो वैष्णो देवी के पिलग्रिम्स आते हैं ज्यादातर डिपेंडेंसी उन पे होती थी कि उन जो पिलग्रिम्स को डाइवर्ट किया जाए टुवर्ड्स पत्नीटॉप, टुवर्ड्स भदरवा या टुवर्ड्स वैली। लेकिन अब उनको एक और डेस्टिनेशन मिलेगी कि जो पंजाब में से लोग हैं वो डायरेक्टली एंटर हो सकते हैं भदरवा जैसी जगह पे, किश्तवाड़ जैसी जगह पे इनमें, और जो चंबा का टूरिस्ट है जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में आता है या डिस्ट्रिक्ट भरमौर में आता है, चाहे पिलग्रिम्स हो भरमौर जो जाते हैं मनीमहेश यात्रा के लिए, वो डायरेक्टली भदरवा जैसी जगह पे आ सकता है, क्योंकि खजियार और भदरवा का डिस्टेंस अब टोटल 58 किलोमीटर रहा है, तो 58 किलोमीटर बड़ा आसान है और वहां से भी वो वाला टूरिस्ट डाइवर्ट होगा टूवर्ड्स भदरवा, उससे जो है टूरिज्म को और ज्यादा फरोग मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो आप विलेज टूरिज्म की बात कर रहे हैं कि इसको जो बढ़ावा दिया जा रहा है कि विलेजेस में टूरिस्ट जाएं, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई किया है विलेजेस को, उसमें जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उसमें अब की बार जो है जम्मू कश्मीर पूरे इंडिया में 2nd spot पे आया है, इतना ज्यादा नेटवर्क उससे बड़ा है। जो कुछ साल पहले तक जैसे हम चिनाब रीजन की बात करें टोटल 20% पॉपुलेशन जो है रोड नेटवर्क से जुड़ी हुई है, लेकिन वही पिछले 3 साल में ही 66% हो गया है, मतलब 66% विलेजेस ऑलरेडी कनेक्टेड हैं थ्रू PMGSY, और जो बाकी रिमेनिंग है गवर्नमेंट का टारगेट है कि बाय 2024 सभी विलेजेस को जिसकी आबादी 200 तक भी है उसको रोड कनेक्टिविटी दी जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाईवेज ही नहीं बल्कि जो इंटरनल रोड्स हैं जो विलेजेस के लिए रोड हैं उनको भी बहुत बड़े पैमाने पे बनाया जा रहा है ताकि हर विलेज हर मोड़ा जो है जुड़ जाए रोड कनेक्टिविटी से। ताहिर साहब, आपने विस्तार से न सिर्फ हमारे श्रोताओं को पर्यटन के मामले में हो रहे विकास की जानकारी दी बल्कि विषय का विश्लेषण भी किया। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर में पर्यटन के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार ताहिर नदीम खान और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।